नमस्कार दोस्तों, प्रतिमास किचन में आप सबको बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, बरसात के मौसम में पकोड़े खाना सबको पसंद होता है, तो मैं सोचा आज कुछ पकोड़े की रेसिपी हो जाए और बारिश भी चल रहा है, तो चलिए आज हम पकोड़े की रेसिपी बनाकर शेयर करते हैं। और फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और जो मेरे चैनल में नए आ रहे हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। तो ये देखिए, आज हम बहुत ही क्रिस्पी पकोड़े बनाएंगे, लेकिन उसमें मैंने कोई भी राइस फ्लोर और सूजी नहीं डाला है। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने बेसन 1 कप लिया है, प्याज लिया है, धनिया पत्ता, हरी मिर्ची, करी पत्ता, और ये एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स है, अदरक, लहसुन, थोड़ा सा करी पत्ता और थोड़ा सा धनिया पत्ता को मैंने कूट के लिया है। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रोसेस को जा चलते हैं। यहाँ पर देखिए, पकोड़े को अच्छा क्रिस्पी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ऑयल गरम किया हुआ है, उसी ऑयल में से आज मैं इसमें डालूँगी। तो ये देखिए, 2 से 3 चम्मच मैं इसमें ऑयल डाल रही हूँ, गरम ऑयल, आप देख सकते हैं ऑयल मैंने डाल दिया है। और इसे बेसन के साथ हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, ताकि बेसन जो है हमारा अच्छा खस्ता बन जाए। आप चाहो तो हाथ से भी मसल कर दे सकते हो। तो ये देखिए, बेसन को मैंने खस्ता बना लिया है, और अब हम इसमें प्याज डालेंगे। ये प्याज का पकौड़ी बहुत ही टेस्टी लगता है। तो धनिया पत्ता डालेंगे, हरी मिर्ची डालेंगे और करी पत्ता डालेंगे, और जो अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची और करी पत्ता का मैंने कूट के रखा हुआ था उसको डालेंगे, चिली फ्लेक्स डालेंगे, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, हल्दी पाउडर डालेंगे, रेड चिली पाउडर डालेंगे, मैंने कश्मीरी रेड चिली पाउडर लिया है, और धनिया पाउडर डालेंगे। थोड़ा सा अजवाइन को मैंने हाथ से इस तरह से क्रस करके डालूँगी, ताकि पकौड़े खाने के बाद हजम भी अच्छे से हो जाए। और थोड़ा सा खाने का सोडा डाल रही हूँ, ये ऑप्शनल है, डालने से पकौड़ा बहुत ही अच्छा फूलता है और क्रिस्पी भी बनता है। तो पहले पानी हम नहीं डालेंगे, पहले हमें इसे हाथ से मसल लेना है, फिर थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल के इसे मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए, इसी तरह से हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए, अच्छे से मैंने इसे मिक्स कर दिया है, और यहाँ पर मैंने ऑयल गरम कर दिया है पहले से, और ऑयल को हमें अच्छे से गरम करना है, ताकि तलने में आसानी हो और पकोड़े भी बिल्कुल ऑयल अब्जर्व ना करें। तो ये देखिए, पकोड़े को मैं इस तरह से डाल दूँगी हाथ से। अगर आप हाथ में डालना नहीं चाहते तो स्पून से भी डाल सकते हो, लेकिन हाथ से डालने से पकोड़ा बहुत ही अच्छा दिखता है। तो आपको जैसे पसंद है वैसे ही पकोड़े बना सकते हो। तो ये देखिए, हमारा पकोड़ा का कलर चेंज हो गया है और कितना क्रिस्पी भी दिख रहा है, आप देख सकते हो। लेकिन पकोड़ा ठंडा होने के बाद खाना अच्छा नहीं लगता, बारिश के मौसम में पूरा गरम गरम पकोड़े खाने से बहुत ही अच्छा क्रिस्पी लगता है खाने में। तो अब हम इसे तल लेते हैं, इसी तरह से अच्छे से ऑयल को निकाल देते हैं और सारे पकोड़ों को छान लेते हैं। तो ये देखिए, मैंने निकाल दिया है फ्रेंड्स, ये हमारा क्रिस्पी पकोड़ा बनकर रेडी हो गया है। इसी तरह से आप बनाइए, खाइए और ये बारिश का मज़ा लीजिए। और आप इसे टोमेटो केचप, हरी मिर्ची और फिर ग्रीन चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट रेसिपी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।